गाइज वेलकम टू अ न्यू वीडियो. इन दिस वीडियो गाइज वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. गाइज इससे पहले मैंने इस सब्जेक्ट है जो हमारा ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसकी दो वीडियोज़ प्रोवाइड की हैं. फर्स्ट है हमारा मीनिंग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर, उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा. सो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको इसका मीनिंग नहीं क्लियर है देन आफ्टर दैट आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे. मीनिंग की वीडियो 5 से 7 मिनट की है तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा अच्छे से कि वो एक्चुअल में है क्या. तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा गाइज. आफ्टर दैट हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गाइज हमारे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं. सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो चलिए गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए गाइज इसमें क्या लिख रखा है ऑब्जेक्टिव्स में, प्रोडक्शन इज एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्शन क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है. ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइज्ड की गई ऐसी एक्टिविटी है प्रोडक्शन. एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव. हर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करती है कि वो फाइंड आउट करे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू सी द डिग्री ऑफ देयर अटेनमेंट, ताकि उनको इनकी कैपेबिलिटी पता चल सके. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे वो उससे क्या होगा, इंक्रीज द कॉन्शियसनेस ऑफ पर्सनल वर्किंग. तो हमारी कॉन्शियसनेस, जब हमें पता है कि इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव इनके ये हैं, तो हमारी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी. पर्सनल वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन सिंस देयर परफॉर्मेंस इज टू बी जज अगेंस्ट दी ऑब्जेक्टिव. ये जस्ट गाइज ऐसे ही 2-3 लाइन्स थी तो मैंने सोचा आपको पढ़ा दूँ, अदरवाइज आपको नहीं करनी है तो आप मत करना. यहाँ पे मेन शुरू है. ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हैं वो दो तरह के होते हैं, 2 मेन कैटेगरीज हैं, दैट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है गाइज, तो वैसे ये इजी लिख रखा है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज टू मेक अवेलेबल द प्रोडक्ट एट प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, कि जो प्रोडक्ट है उसको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पे अवेलेबल कराना, उसकी क्वालिटी स्पेसिफाइड होनी एंड विद इन द स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल, और विद इन द टाइम उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना. थस कॉस्ट क्वालिटी एंड टाइम डिमेंशंस आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस. तीनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए इन चीज़ तीनों को, कॉस्ट भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी और टाइम पे भी डिलीवर्ड हो जाए वो प्रोडक्ट. ठीक है, ये इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है. इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें आती हैं, फर्स्ट हमने देखा कॉस्ट. ठीक है, तो पहले ही आ गई कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तभी हम टोटल कॉस्ट को भी तो कंट्रोल कर पाएंगे ना. तो कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एज पर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन फंक्शन का, कि गुड्स और सर्विसेज को उसके प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग जितने में वो प्रोड्यूस हो रही है उसको कंट्रोल करना. यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी केयरफुली एस्टिमेटेड, जो उसकी यूनिट कॉस्ट है उसको केयरफुली एस्टिमेट करना. एंड एवरी केयर शुड बी मेड टू स्टिक ऑन दैट कॉस्ट, और जो भी उन्होंने मतलब जैसे सोचा है उसके ऊपर, उस कॉस्ट के ऊपर स्टिक रहना, कितने का सोचा है तो उतने की ही रॉ मटेरियल यूज करना. एफर्ट शुड बी मेड ऑन कंट्रोल वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट. बाकी एफर्ट्स लगते हैं हमारे रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट विल रिड्यूस द कॉस्ट. अगर हमारी फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन आएगी विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, तो पर यूनिट की कॉस्ट जो प्रोडक्शन होने के बाद आएगी वो भी कम हो जाएगी. वेरिएबल एक्सपेंसेस शुड बी कीप्ड अंडर कंट्रोल. वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, जो फिक्स है वो तो होने ही है. वेरिएबल एक्सपेंसेस शुड बी कीप्ड अंडर कंट्रोल. अदर वेज ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन. और दूसरा वे क्या है कॉस्ट को कंट्रोल करने का, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो. प्रोडक्शन को इंक्रीज, अगर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, बनके हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमें कॉस्ट गिराकर उसको बेचना पड़ेगा, कम कॉस्ट पर बेचना पड़ेगा. ये अदर वे है, इंक्रीज प्रोडक्शन सो दैट कॉस्ट पर यूनिट कम्स डाउन. और जब हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग जो रॉ मटेरियल लाएंगे उसको बल्क में लाएंगे, तो बल्क में जब हम लोग लाएंगे तो ऑब्वियस है वो हमें सस्ता पड़ेगा.
तो उससे भी एक तरह से उस वे में भी आप इस लाइन को लेके जा सकते हो कि आप लोग अगर उसको बल्क में लाते हो तो भी आपको कॉस्ट पर यूनिट आपकी डाउन चली जाएगी। और एक दूसरे वे में भी ले सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर होके पड़ जाएंगे तो आपको कॉस्ट गिनान वैसे उस वे में है नहीं, ये बल्क वाले में है, तो आप उसको बल्क में ही लेके चलो। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट है प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट था ना क्वालिटी, पहला था थर्स दी टाइम कॉस्ट, कॉस्ट उसकी मतलब कम रहनी चाहिए, क्वालिटी वही रहनी चाहिए, देन टाइम में लेट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड क्वालिटी, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय दी कस्टमर, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड कस्टमर ने सेट किया है वो मेंटेन रहना चाहिए। दी क्वालिटी प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कन्वर्टेड इनटू मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, जो इसकी क्वालिटी है वो इसके ऑब्जेक्टिव्स इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इट सो हैपन्स दैट प्रोडक्ट क्वालिटी कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, जो इसकी क्वालिटी है वही इसके मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आती है इसके कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। प्रॉपर बैलेंस इन दोनों के बीच में बना के रखना कि इसकी क्वालिटी एज़ वेल एज़ कॉस्ट दोनों अंडर कंट्रोल रहें, कि ये भी ना हो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा गिर जाए, कॉस्ट भी कम हो, ये चीज़ ना हो, क्वालिटी मेंटेन रहे और कॉस्ट कम रहे, ये चीज़ आपको बहुत ही मतलब में बैलेंस करके रखनी है इस तरह से, ताकि आपको भी लॉस ना हो और सामने वाले को भी लॉस ना हो। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए गाइस, टाइम डिमेंशन, ठीक है। तो टाइम डिमेंशन देखते हैं आगे, टाइम डिमेंशन देखिए, कीप मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल, दैट इज टाइम डिमेंशन ही है ये, मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल बना के रखना है। एक मेंटेनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीटिंग मार्केट कॉम्पिटिशंस, एक शेड्यूल बना के रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल शुड बी ब्रोकन इनटू सब सिस्टम, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के शेड्यूल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक मशीन यूटिलाइजेशन रेट अलग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैन आवर्स पर यूनिट रेट अलग, कैपिटल यूटिलाइजेशन अलग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम अलग। तो मेंटेनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल विल डायरेक्टली, अगर हम लोग अपना शेड्यूल मेंटेन कर के रखते हैं तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी कॉस्ट, क्वालिटी और गुडविल ऑफ द बिजनेस। ये थे हमारे सबसे पहले जो हमारे थे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। सेकंड आते हैं इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, अब इनको देखते हैं इंटरमीडिएट्स को क्या है इसके अंदर। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू रीच, ये जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव है ये स्टेप्स हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँचने के लिए। तो हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे, एक कॉस्ट, दूसरा क्वालिटी, तीसरा टाइम, ये तीनों हमारे अल्टीमेट थे। इन तक पहुंचने के लिए जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव हैं एक स्टेपिंग स्टोन्स का काम करते हैं, स्टेप्स का काम करते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, पहले मेंटेन करनी प्रॉपर मशीनरी एंड इक्विपमेंट को प्रॉपर मेंटेन करना, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स एंड एम्प्लॉयज अवेलेबल होने चाहिए। ये नहीं है कि हमारे मतलब मार्केट काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी आगे पहुंच चुकी है और हमारे पास ओल्ड वर्कर्स, ओल्ड मशीन्स वगैरह पड़ी हुई हैं, कंप्यूटर्स पे हम लोग वर्क नहीं करते, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरी मेंटेनेंस होनी चाहिए, प्रॉपर मशीन्स और इक्विपमेंट्स को हमें प्रॉपर करके रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट है प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, जो मैन पावर है, मैन पावर आपको मैन पावर समझ आ रही है, जो अपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनके पास जो जो स्किल्स हैं, जो जो पावर्स हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, ताकि उनकी जो स्किल्स हैं उसका वेस्टेज ना हो, प्रॉपर की उनकी स्किल्स का यूज़ हो। प्रोडक्शन फंक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू मैन पावर प्लानिंग एंड मेंटेनेंस, मैन पावर इज़ अ टिपिकल इनपुट इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, सिलेक्शन ट्रेनिंग, उनका सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, यूटिलाइज करना मैन पावर को शुड हेल्प इन अचीविंग द प्रोडक्शन टारगेट, ताकि वो हेल्प कर सके प्रोडक्शन को टारगेट्स को अचीव करने में। ये तो नहीं है एक बंदा अकाउंट संभालने में बहुत अच्छा है और हम लोग उसको पैकिंग का काम दे रहे हैं तो वो कभी नहीं करेगा। तो उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग हुई होगी तो उसी के अकॉर्डिंग ईजिली हो जाएगा। सेफ्टी मेजर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर टर्नओवर, एब्सेंटेंस एक्सेट्रा शुड बी टेकन केयर ऑफ इन ऑर्डर टू मेंटेन बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स। तो वो भी बेटरमेंट मतलब परफॉर्म भी अच्छी तरह से करेंगे जब उनको उनके इंटरेस्ट का काम प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड देखिए एडवर्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एडिक्वेट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इसमें क्या है प्रोविजन ऑफ प्रॉपर एंड एडिक्वेट सर्विसेज डायरेक्टली, जो इसकी है ये डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ अदर इनपुट्स सच एज जैसे मैंस
मैन जो हमारे वर्कर्स हैं, मशीन्स, मटेरियल्स, तीनों चीज़ों को डायरेक्टली इफेक्ट करती है ये। फैसिलिटी सच एज पावर, जो हमें फैसिलिटीज जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, पावर, वाटर सप्लाई, मटेरियल हैंडलिंग शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली प्लान की गई होती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट पे और मैक्सिमम एसेट टर्नओवर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बनाए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आता है नेक्स्ट पॉइंट मटीरियल्स। मटीरियल्स ये सारे स्टेप्स हैं ताकि हम लोग अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुँच सके। मटीरियल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्रिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मटीरियल में क्या होता है कि कितने यूनिट्स, रूपी वैल्यू एंड स्पेस रिक्वायरमेंट। पर यूनिट मटीरियल कॉस्ट शुड बी स्पेसिफाई, पर यूनिट कॉस्ट कितनी हमें पड़ रही है, एंड एफर्ट, उसके ऊपर जो एफर्ट्स लग रहे हैं शुड बी मेड टू इंक्रीज दी इन्वेंट्री टर्नओवर रेट ऑल टाइप ऑफ मटेरियल। सब कुछ इसके अंदर डिस्कस होएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आते हैं मेथड्स कि कौन सा मेथड यूज होता है उसको ट्रांसफॉर्म करने में इनटू फिनिश प्रोडक्ट। देयर इज अ डेफिनेट वे इन विच इनपुट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। जो हमने रॉ मटेरियल लिया उसको फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफर करने के लिए क्या चीज़ लग रही है, मतलब मेन कौन सी मेथड ट्रांसफॉर्म करने के लिए लग रहा है। दिस मे बी डन मैन्युअली, मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली और मे बी ऑटोमेटिकली, किसी भी वे से हो सकता है। इट इज़ द टेक्नोलॉजी प्रिवेलिंग विच डिसाइड अ वाइबल मेथड ऑफ मेथड। इसके लिए टेक्नोलॉजी है जो डिसाइड करती है इसके ऊपर लगने के लिए मेथड। इफ़ द राइट मेथड इज यूज, आउटपुट इज मल्टीप्लाइड, कॉस्ट इज रिड्यूज एंड क्वालिटी इज इम्प्रूव। अगर राइट मेथड लगता है हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो अच्छा, मतलब डबल हो जाता है और कॉस्ट हमारी कम हो जाती है और क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हो जाती है। ये थे हमारे आज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद है हमारे फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसको हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।